हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं क्लास टेंथ का आपका दो चर वाले समीकरण जो होते हैं ना, इनमें का आपका 3.6 का जो क्रमवाइज सवाल, एक एक सवाल, दो दो सवाल मैं एक ही वीडियो में लाया हूँ, क्योंकि ये सवाल आपका 6 नंबर में 4 नंबर में आती है, 100% आती है, ज़रूर इसको समझिए। और बच्चों को समझ में नहीं आती है ना, पर समझ में आ जाएगा। अगर आपको भी नहीं समझ में आता इस्टे रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि समझाने का तरीका ही अलग है। और इसके पिछले जो चैप्टर में जितने भी पार्ट हैं, मतलब जितने भी अभ्यास हैं, जितनी भी एक्सरसाइज बीत गई ना, प्रश्नावली बीत गई, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी क्लास टेन के मैथ की, उसमें मिल जाएंगी, बस आप देखते रहना। नहीं तो आगे अगर देखना चाहते हैं एकदम इजी तरीके, पूरा मैथ जो है ना आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, जो कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तब भी आ जाएगा। और मैथ एकदम बेसिक सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट ही है, बेसिक से मैथ सीखिए, 0 to 0 सीखिए, ओके, वो भी है, देख लेना। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये वाली सवाल में हमने पहले भी बताया है आज इसमें कि आपके सवाल पता है कि ये 7वीं सवाल है। तो ये हमने बोला था कि आपको हर में एक्स वाई जो होता है ना, एक्स वाई में देखना है किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर एक्स वाई देख रहे हैं, प्लस माइनस में कुछ इस तरीके से इसमें से सवाल मतलब है ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कुछ ना कुछ इसको सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, जो भी चीज़ रहता है ये नीचे अगर रहता है तो इसके साथ ऊपर एक मिला करके हम इसको हम अलग करना सीखेंगे। सर सीधी बात मैं बोलता हूँ, तो देखिए बहुत सारे रूल हैं उससे मैं नहीं, मतलब जो एक्स वाई होता है चाहे जो भी से भी रहे, हमें इसको अलग करना सीखना है। अगर हम इसको कहीं पर भी अलग करेंगे तो इसके ये एक जो है एक हमेशा निकल जाता है किसी न किसी संख्या, तो इसकी जगह पर जो भी संख्या होगी वो आगे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 10 है तो ये 10 आगे आ जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं। और अगर जो माइनस वाला है यानी हम इसको अगर हम ये वाला माइनस हो इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। माना अगर हम कि x मतलब 1 अपान x प्लस वाई बराबर इसको हम a मान लेते हैं और इस माइनस वाले को हम b मान लेते हैं। अब हम इसको हम सूत्र मतलब इसमें सवाल में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा 10 है, तो 10 है तो 10 के बगल हमारा यहाँ पर ऐसे ही निकलेगा, ध्यान दीजिए ये चीज़ बहुत कठिन होता है, यहाँ पर 10 ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि 10 का अगर पहाड़ा पड़ेंगे फिर से यहाँ पर 10 अपानी यही बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक को अलग किए हैं, एक को अलग किए हैं तो ये पूरा हमने ए मान लिया। अच्छा बताइए, इसकी जगह हम ए रख देंगे तो 10 के बगल ए रख देंगे गुणा में, तो 10 ए ही तो हो जाएगा, दिमाग लगाइए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10 ए, क्या हो जाएगा हमारा 10 ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2b और बराबर हमारा ये 4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही कंडीशन में यहाँ पर हमारा ये 15a और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5b और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हमारा 2 कामन हो रहा है तो 2 हम कामन भी ले सकते हैं, 2 से काट देंगे तो ये हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5a, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2b, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ 2 × 1 = 1 नहीं लिखा गया, बस ये तो हमारा ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर चाहे प्रतिस्थापन भी से आप हल कर लीजिए, चाहे जिस भी से जैसे भी लगाएं, अगर प्रतिस्थापन हल कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छी बात है, अगर विलोपन से हल कर रहे हैं तो हम पर लिख देंगे कि हमें जोड़ने पर घटाने पर, जैसे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, ये चीज़ आप सीख लेंगे तब जब प्रतिस्थापन विलोपन भी अगर आप लगाना सीख जाएंगे हमारे चैनल पर, वो है एकदम इजी तरीके से बताएं, देख लेना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम विलोपन विधि लगाते हैं तो हमें बराबर करना है, ठीक है, इसको हम समझ लीजिए ख़त्म कर दिए क्योंकि इसमें काट दी थी ये बन गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 जो है 15 बन जाएगा 3 का इसमें अगर हम गुणा कर देंगे, या हम 5 यहाँ पर बन जाएगा जब इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 जो भी कहो वही बना ले, मैं बी को बना लेता हूँ, बी को मैं बना लेता, बी को हम बराबर कर लेते, यहाँ पर अगर 5 हो जाता है तो बराबर हो जाता है तो 5 का यहाँ पर गुणा कर देते, पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पर पहले करें 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 5b बराबर 5 × 2 = 10, और ये वाला हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये हमारा अगर चेंज हो जाएगा तो फिर हल कैसे होगा। यहाँ पर समीकरण हमको चिन्ह चेंज कर देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये देखिए इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है 25, 15 माइनस में है, तो 25 में से 15 घट जाएगा तो प्लस में बचेगा यहाँ पर 10 ए बचा, 5 ये ख़त्म हो गया, मतलब 5 में 5 गए, 10 में से अगर ये 2 गया तो इसमें 10 में 2 नहीं जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में है, तो 10 × 2 = 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, तो ए बराबर हमारा 12/10 हो जाएगा, काटने पर हमारा क्या आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 5 = 10, मतलब ए बराबर हमारा कितना आ गया 5/6/5 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 6/5 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक बार,
कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, कंडीशन पता चलेगी। अब हम क्या करते हैं, एक अमान समीकरण किसी में रख देते हैं। एक अमान समीकरण एक में रखने पर हमें रूल समझना है, आंसर आपका जो भी आएगा देखा जाएगा। तो समीकरण एक हमारा यहाँ पर था, ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण एक में हम रखते हैं एक अमान, यहाँ पर आ गया हमारा 6/5, ये आ गया। एक ही जगह हमने इसका एक अमान रख दिया, प्लस बी बराबर 2, यही समीकरण था। 5 से 5 हमारा कट गया, तो 6 वाला बी बचा बराबर 2 बचा, बी बराबर हमारा 2 - 6, ये प्लस में था इधर में गया माइनस में, बी बराबर हमारा -4 आ गया। अब ए तथा बी का मान, ए बी का मान हमें निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है क्योंकि एक्स वाई है इसमें। तो हमारा जो ए बी माने थे उसको फिर से मान रख देंगे। ए तथा बी का मान पुनः रखने पर ठीक है, पुनः इसमें रख देते हैं। तो हमारा ए बी का मान हमारा देखिए यहाँ पर माने थे, इसमें हम रख देते हैं 1/x + y, यहीं पर था, इस पर हम माने थे ए, यहाँ पर माने थे ए, तो ए की जगह हम रख देते हैं इसका मान 6/5 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो 6 × 6x हो, ऐसे हो जाएगा। यानी इसको अगर हम उल्ट दें सीधा सीधा तो x + y हो जाएगा, और इसको उल्ट देंगे तो हमारा 6/5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस कंडीशन से होगा, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि आंसर हमारा जो है बटा में आ रहा है। क्या हमने कुछ गलत लिखा था, सवाल को गलत तो नहीं लिखा था। 10, 2 ये 4, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, और यहाँ पर -2, ठीक, ये सब तो सही है। फिर कहाँ गलत हुआ, 10 ए 2 बी 4, ठीक है, 15 ए 5 बी, -2, यहाँ पर गलत हुआ यार, इतना देर माइनस चिन्ह गलत कर देते हैं बार। अब यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, 5 5 आपका, ये हमारा चिन्ह बदलेगा नहीं, जब हमारा चिन्ह बदलेगा नहीं, सारा गलत हो गया। देखिए अब चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये माइनस में है तो 5 + 5 चला गया। अब ये 25 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 30 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 ए हो जाएगा, बराबर ये हमारा चिन्ह नहीं बदलेगा, 10 + 2 = 8 आ जाएगा। अब हमारा 8/40 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 40 ए = 8/40 हो जाएगा, ये 40 उधर चला जाएगा, तो 8/40 हो गया। तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 1/5 आ गया, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर हमारा 1 कट गया, तो 6 ये हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 हमारा इधर जाएगा, 2 के बगल 1 घटेगा, तो 2 + 1 गया तो हमारा 1 आ जाएगा, बी बराबर 1 आ गया। अब ए बी का मान हम रखते हैं यहाँ पर, हमारा 1/5 रखना है, तो जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो x + y समय, यह समीकरण 3 बन गया समझ लो, अगला भी फिर से समीकरण बनेगा। और हमारी अगला जो है यहाँ पर हमारा ये था, हमने माना था 1/x - y को, इसको माना था बी, बी का मान हमारा 1 है, इसको उलट देंगे तो x - y = 1, ये समीकरण 4 बन जाएगा। अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर ठीक, ये इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, x + y = 5 और x - y = 1, इसको हल करते, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x + x 2x हो जाएगा, और 5 + 1 = 6 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, काट देंगे इसको तो हमें x बराबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, ये हमारा x बराबर आ गया। अब x का मान हम फिर से ले जा कर के रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, इसमें रख देते हैं, यहाँ पर चाहे जिसमें रख दें इसमें रख देते हैं। x का मान, x की जगह हम रख देंगे क्या, 3 + y = 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2, तो ये हमारा x = 3 y = 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा
सवाल का आंसर वाई बराबर 2 एक्स बराबर 3 एकदम करेक्ट है। इसको जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पर रख कर चेक भी कर सकते हैं, तो जांच आपका हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से लगाने को पूरा ट्राई करिएगा, जिसमें आपका ये बड़े रहेंगे तो मतलब एक्स वाई दोनों रहेंगे अगर हर में, तो उसमें आपका इसका मतलब मान के चलिए फिर से समीकरण तैयार होगा, और फिर से समीकरण वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर आपने किया था। ठीक, प्रोसेस वही है, आप अच्छी तरीके से आप लगाइए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। बाकी फिर से मिलेगी अगली वीडियो, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और हमारे सेकंड चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। सेकंड चैनल नाम है मास्टरी मोबाइल टेक चैनल, और ये चैनल आपका है टेक्नो प्लस स्ट्रेटजी चैनल, तो दोनों को सपोर्ट करिए। जैसे भी आप रहेगा मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके ठीक, चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्टे रहिए हमारे चैनल पर। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।